27 जून 1980 को रिलीज़ हुई थी और आज 37 साल के बाद मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं उन्हीं महान कलाकारों के साथ खड़ा हूं जो कर्ज के लिए ज़िम्मेदार हैं, सिमी जी और ऋषि कपूर साहब। इससे बढ़ के खुशी क्या हो सकती है कि आज इतने बड़े थिएटर में, एक्सेलसियर में ऑडियंस पूरी आई हुई है फिर से फिल्म देखने के लिए, जबकि उन्होंने 20-25 बार 30 बार स्मॉल स्क्रीन में फिल्म देख ली है और देखने के बाद भी यहाँ पर आ रहे हैं। इससे बढ़ के एक आप अच्छी फीलिंग शायद एक फिल्म मेकर को, एक फिल्म एक्टर को, फिल्म म्यूजिशियन को, फिल्म टेक्नीशियन को नहीं मिल सकती। कर्ज लगी थी उस दौर में जबकि सिर्फ एक्शन फिल्में चलती थी। वो दौर ऐसा था कि कोई भी रोमांटिक या म्यूजिकल फिल्म टिकती नहीं थी अंटिल अनलेस उसमें कुछ बहुत कड़क बात होती। तो हुआ ये कि जब हमारी फिल्म रिलीज हुई तो इट वाज एक्सेप्टेड वेरी वेल, बट इट वाज नॉट अ वेरी बिग फिल्म इन द सेंस कि एक पिक्चर एक हफ्ते बाद आ रही थी, उसका नाम था कुर्बानी। फिरोज़ खान साहब ने उसे डायरेक्ट किया था, उसमें फिरोज़ खान, जीनत अमान, विनोद खन्ना, अमजद खान, शक्ति कपूर, शॉट ओवरसीज, अ लॉट ऑफ सेक्स, अ लॉट ऑफ एंड इक्वली गुड म्यूजिक, सब कुछ था, भरपूर उस पिक्चर में था। सो ऑब्वियसली एक हफ्ते के बाद उस पिक्चर ने हमको थोड़ा सा धक्का तो ज़रूर दिया था, लेकिन आज इस बात का मैं साबित करना चाह रहा हूँ कि 37 साल होने जा रहे हैं जून के महीने में, आज भी आप यहां बैठे हुए हैं, आप तालियां बजा रहे हैं, खुश हैं, हम आज भी कर्ज की बात कर रहे हैं और किसी फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं। अमेजिंग। हर फिल्म की एक तकदीर होती है, हर फिल्म की एक कशिश होती है। ये पता नहीं क्या कशिश है इस पिक्चर में, सुभाष जी का जादू था, म्यूजिक का जादू था, सिमी जी या सबका एक कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो एक बोलते मुकम्मल पिक्चर बन जाती है। हम पिक्चर बनाते नहीं, बन जाती है, एक अच्छी पिक्चर और एक मेमोरेबल पिक्चर बन जाती है, और इस यही खासियत है कर्ज फिल्म की। मेरा पहला शेड्यूल था कर्ज का और उस गाने के साथ था दर्द दिल। तो हुआ यूं कि मैं सेट पे आया तो मैंने सुभाष जी से पूछा कि ये या हाँ सुभाष जी से पूछा कि कोरियोग्राफर कहाँ है, गाना कौन पिक्चराइज करेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं करूँगा। तो मेरा मैं भी आई एम बीइंग फ्रैंक, तो मुझ में उतनी कन्विक्शन या मुझे आई वाज नॉट वेरी हैप्पी दैट सुभाष जी खुद वो गाना पिक्चराइज करते, क्योंकि इन्होंने एक्शन फिल्में बनाई थी तो वो गाना कैसे पिक्चराइज करेंगे उन्हें। तो उन्होंने मैंने थोड़ा ऑब्जेक्शन लिया तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया, हम लोग शूटिंग कर रहे थे तुम्हें नहीं पसंद आया तो आई प्रोमिस यू आई रीशूट द सॉन्ग। तो मैंने उनकी कन्विक्शन देखी उनकी बातों में, तो मैंने कहा चलो ठीक है। आपको ये बताने में मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो गाना आप देखेंगे दर्द दिल, ये एक्चुअली कोरियोग्राफर के बगैर किया गया है और सुभाष घाई साहब ने ही पिक्चराइज किया पूरा। 24 अक्टूबर 1978 में मैंने फिल्म शुरू की। उससे पहले मैं डायरेक्टर था कालीचरण विश्वनाथ और एक दो फिल्मों का, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जो मैं बनाना चाहता हूँ और ऐसी फिल्म जो जिसे मैं ऑडियंस से या कमर्शियल रन से कंप्रोमाइज़ ना करूं। नहीं तो हर बार प्रोड्यूसर कुछ ना कुछ बोलता था, ये भी आइटम होनी चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मैंने कर्ज फिल्म लिखी और उसकी इंस्पिरेशन जो थी कर्ज की स्टोरी की, वो मैंने री इनकारनेशन ऑफ पीटर प्लॉट से एक सीन से ली, एक सीन था उसका मदर का। लेकिन जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट की तो मैंने उसके ऊपर उसमें काफ़ी म्यूज़िक लिखा, मीन्स कि यहाँ क्या क्या आना चाहिए। और मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पास गया मैं और मैंने उनसे कहा कि
मैं ऐसी फिल्म लिख रहा हूँ सर जो आज के लिए शायद मॉडर्न है. आप मेलोडीज़ के किंग हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा के साथ सजाया जाए और इसमें ऐसा म्यूजिक हो जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पहले ना दिया हो. भले उसकी साउंड बदलें या उसकी कुछ अदा बदलें या उसका कुछ लहरा बदलें. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था प्यारे जी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए. अगर आपने देखा होगा दर्दे दिल दर्दे जिगर गाना जो है वो हमारा पहला गाना था, लेकिन वो गाना जब बख्शी जी ने लिखा तो वो एक गज़ल के रूप में था. तो गज़ल कैसे गाई जाती है उसी तरह से, क्योंकि लड़का पार्टी में हीरो जो है हमारा गज़ल सुनाता है और लड़की मोहित होती है, तो एक कॉमन सी सिचुएशन में गज़ल जो थी वो बड़ी कॉमन सी लग रही थी. तो जब प्यारे जी आए तो हमने कहा कि इसको कैसे बदला जाए, और प्यारे जी ने और लक्ष्मीकांत और सब ने बैठ के ये डिसाइड किया कि इसको एक नया रूप दिया जाए, और आपके सामने जो गाना है दर्दे दिल वो एक मॉडर्न रूप में आया. जब हम शूटिंग करते थे तो सुभाष जी इतने मगन इतने इन्वॉल्व थे कि वो गाना सुनाते थे गाड़ी के जो बॉनेट होता ना उसमें, वो रिदम सेक के साथ मुझे गाना सुनाते थे. टीना मुझे जब हम शूटिंग करते तो वहाँ उस वक्त इतना एक आदमी कितना चार्ज्ड सो मच इन्वॉल्व्ड इन हिज म्यूजिक उस वक्त मुझे गाना सुनाते थे. ये जैसे कि गाने से मुझे याद आए, अनुपम खेर साहब मेरे साथ मजाक करते हैं. एक आज शो में मैं गया था तो उन्हें जाहिर कर्ज से अगर बात चली तो वो गाना आता ओम शांति ओम, तो उसके बोल ऐसे हैं कि मेरी उम्र के नौजवानों जो आपको मालूम है आगे क्या है. तो अनुपम खेर साहब ने मुझे बोला कि अब तुम ये गाना छोड़ दो. मैं बोला क्यों, अब तुम गाओ क्या उम्र थी क्या समा था क्या जमाना था, एक हसीना थी एक जमाना था. तो दोनों ही गाने मेरे हैं और दोनों ही गाने फिल्म कर्ज के हैं और दोनों ही उतने ही बड़े सक्सेसफुल गाने हैं. जब हम ये फिल्म बना रहे थे, ही इज राइट जो चिंटू जी ने अभी कहा था, एक एक जुनून सा छाया हुआ था सुभाष जी पे. ही वाज सो चार्ज्ड, ही वाज लाइक अ मैन विद अ मिशन, राइट. एंड आई थिंक इट वाज हिज डेडिकेशन एंड हिज ऑनेस्टी एंड वी जस्ट फॉलोड व्हाटएवर ही डिड. एंड आफ्टर दैट इवन आई हैव टू से समथिंग अबाउट सुभाष जी व्हिच आई फील इन माय हार्ट. सुभाष जी, देयर आर मेनी फिल्म मेकर्स जो फिल्म बनाते हैं, अच्छी अच्छी फिल्म भी बनाते हैं, बुरी फिल्म भी बनाते हैं, बट वहीं रुक जाते हैं, फिर उससे आगे नहीं बढ़ते. बट हियर इज़ अ मैन जिन्होंने, मतलब एक छोटे से गांव से आए थे, छोटे से स्मॉल टाउन से आए थे, बड़े बड़े ख्वाब लेकर, और ये सारे ख्वाब एक के बाद एक पूरा कर रहे हैं.